कर रहे हैं रिफेक्स हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% का अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक 249.83 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब इस रेंज में स्टॉक ट्रेड हो रहा था, हमने डिस्कस किया था इस हाई के ब्रेकआउट को और 260 तक के टारगेट को। चैनल्स पर वीडियोज़ मौजूद है, चाहो तो देख सकते हो। और स्टॉक ने 260 के टारगेट हमको दिखा है, वहाँ से गिरावट आई। जब 260 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया तो सपोर्ट कहाँ लिया, 240 के लेवल पर। यानी पहले जहाँ रिजेक्शन फेस करता था, अब वो लेवल इसके सपोर्ट का काम कर रहा है। 240 का लेवल मेजर सपोर्ट रहेगा रिफेक्स के लिए, इसके ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता है। 240 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता तो वैसे कंडीशन में और अपसाइड और बड़ी उड़ान रिफेक्स दिखा सकता है। रिफेक्स में हमको यहाँ से फिर और बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 240 इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 220 तक का भी फिर फॉल दिखा सकता है, जहां इससे पहले सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था। अब बात करते हैं टारगेट की। तो 260 के रिजेक्शन के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। स्टॉक 260 के आसपास ही हमको ऑलमोस्ट ट्रेड होता नज़र आ रहा है, तो ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। अपना इमीडिएट टारगेट रहेगा 260 का लेवल। वैसे तो 255 पहला टारगेट है, ब्रेकआउट कर गया तो 260 रेजिस्टेंस है इसका। इसके आसपास फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी है, इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। अगर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी दे जाता है 260 के ऊपर तो वैसे कंडीशन में और बड़ा अपसाइड। अगला टारगेट 264, ब्रेकआउट कर गया तो 270 और 275 से लेके 278-280 तक के टारगेट भी स्टॉक हमको दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट फिर रिफेक्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।